हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ का थर्ड पार्ट। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बार जो है बोर्ड में पूछा गया है और काफ़ी सारे स्कूल्स में भी ये आता है, प्री बोर्ड हो या मिड टर्म हो, जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है उसमें ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है। फिफ्थ का थर्ड पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को करना कैसे है, लेकिन इससे पहले कि जो सारे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो मैं पहले अपनी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। तो सबकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो आप उस लिंक को ओपन करके जो है वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसमें ना क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इस तरीके से है और हमें एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि इसका आंसर आपको क्या प्रूव करना है, 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। लेकिन कई बार टीचर क्या करते हैं, इस आंसर को हटाकर ये वाला आंसर लगा देते हैं। मतलब कि क्वेश्चन यही होगा मगर आपको ये प्रूव करना होगा, तो बच्चे को लगता है यार कि एनसीईआरटी में ये था, दे दिया ये, तो बढ़िया यार, मतलब चालू चीज कर दी टीचर ने, तो ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन से दो आंसर कैसे आएंगे वो बताऊंगा आपको। तो तरीका वही रहेगा, तरीका एक ही फॉलो करेंगे लेकिन आंसर दो आएंगे, चाहे पेपर में ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एलएचएस को लिख लेते हैं जिससे मुझे आंसर बनाना है। तो मैंने एलएचएस लिख लिया, एलएचएस है हमारा टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। तो इस तरीके से हमने, अब इससे मैं ये दोनों किस तरीके से आएंगे वो आपको बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में आपका, ये आर्य शर्मा आर्य अग्रवाल में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा और टीचर मैनिपुलेट कर देता है, ये ना दे करके ये दे देता है। तो दोनों मैं आपको बता रहा हूँ दोनों कैसे आते हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई, यहाँ पर तरीका क्या है हमारा, वही जो हमारा पिछली वीडियोज में मैंने आपको ट्रिक्स बताई कि भैया हमें एक ही तरीके का दिमाग चलाना है कि ऐसे फॉर्मूले लगाओ जिसमें ये किस में कन्वर्ट हो जाए, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। हमें ऐसा दिमाग चलाना है, वो वाले फॉर्मूले लगाने हैं जिसमें सारे साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, टैन का फॉर्मूला होता है क्या, साइन बाय कॉस, और कॉट का फॉर्मूला होता है इसका उल्टा, कॉस बाय साइन। तो टैन का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बाय साइन, क्योंकि उसका उल्टा है। तो मैंने क्या करा, टैन की जगह पे लिखा साइन बाय कॉस और नीचे कॉट की जगह पे लिखा कॉस बाय साइन, फिर प्लस, फिर कॉट की जगह पे लिखा कॉस बाय साइन और नीचे टैन की जगह पे लिखा साइन बाय कॉस, इस तरीके से, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। तो अब मैंने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाला तो सेम लिखे रहने देंगे, अभी साइन बाय कॉस 1 और साइन का एलसीएम आएगा साइन। तो जब भी मैंने बताया था दो डिफरेंट हो, तो आपको दो डिफरेंट है तो ये लिख दिया मैंने साइन। उसके बाद क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, साइन 1 को कॉस से करूंगा तो क्या आएगा, कॉस। फिर ये सेम, अब इसका इन दोनों का एलसीएम आएगा कॉस, इन दोनों का एलसीएम आएगा कॉस। फिर कॉस को 1 से करूंगा तो क्या आएगा, कॉस, और 1 को साइन से करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है भाई। अब जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। मतलब इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया, किस तरीके से, देखो ऊपर वाला सेम, जो नीचे वाला फ्रैक्शन था उसका नीचे वाला पार्ट ऊपर आ गया और ऊपर वाला पार्ट नीचे, ऐसे ही यहां पर कॉस बाय साइन। यहां पर ये जो फ्रैक्शन है इसमें कॉस ऊपर आ गया और ये नीचे, ठीक है भाई। तो साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कॉस कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए, फिर से मेरा स्टेप होगा इन दोनों का एलसीएम लेना। अब लेकिन एलसीएम से पहले देखो, ये वाले दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सेम है कि नहीं, इस पे नजर लगाओ जरा, साइन कॉस साइन कॉस कॉस साइन।
तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ दोनों में किसका फर्क है, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर। देखो ये वाला स्टेप तो बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ, क्या स्टेप है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई यहाँ पर समझ लो कि मैंने क्या करा, इस स्टेप में से माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस जब कॉमन लूंगा तो अंदर के दोनों के साइन पलटेंगे, माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का कॉस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। देखो इस तरीके से, इस तरीके से लिखूंगा, माइनस का साइन थीटा, जो अंदर माइनस का साइन था वो हो जाएगा प्लस का साइन, और जो प्लस का कॉस था वो हो जाएगा माइनस का कॉस, इस तरीके से। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, ये ऊपर चला जाएगा। जैसे वन अपॉन माइनस टू लिखा है तो हम क्या लिख देते हैं, माइनस टू, माइनस ऊपर चला जाता है कि नहीं, तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, इस तरीके से हो जाएगा ये। फिर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये समझ में आया आपको, ये माइनस जब ऊपर गया तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अब लेंगे एलसीएम, अब इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो भाई एलसीएम में क्या करना है आपको, सब कुछ लिखना है, जैसे कॉस लिखना है साइन लिखना है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है तो रिपीट चीज एक बार लिखते, याद रखना एलसीएम में सब कुछ लिखना होता है, सब कुछ, दो डिफरेंट है सब कुछ लिखो, लेकिन जो रिपीट हो रहा है वो एक ही बार लिखना है, वो दो बार नहीं लिखना, समझ में आया आपको। तो ये हो गया, आप क्या करते हैं, इसको नीचे वाले से डिवाइड करा, इसको इससे डिवाइड, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये और ये, ये और ये तो कट गया, समझ में आ रहा है, जब मैंने इस पूरे को इससे डिवाइड करा, मतलब ये ऊपर रखा और ये नीचे रखा, तो ये दोनों तो कट गए, बचा क्या साइन, तो साइन को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन को साइन स्क्वायर से, तो क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा, समझ में आया कि नहीं। क्या करते हैं, इसको नीचे वाले से डिवाइड, जो बचता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो जब इसको इससे डिवाइड करा, डिवाइड, तो ये दोनों कट गए, बचा साइन, साइन को साइन स्क्वायर से करा साइन क्यूब आ गया। फिर इसको इससे डिवाइड करा तो ये दोनों कटेंगे, इस बार ये दोनों कटेंगे, बचेगा कॉस, फिर कॉस को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे ए कौन है, साइन थीटा, बी कौन है, कॉस थीटा, तो पहले क्या है, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, और ए बी मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब ये ब्रैकेट तो इससे गया, ठीक है, अब जो बचा वो लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बचा कॉस स्क्वायर थीटा बचा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा बचा अपॉन में बचा, ये बचा मेरे पास, ठीक है ना। अब मुझे आंसर लाना है, ये भी और ये भी, देखो भाई दो आंसर हैं ये और ये, अब किस तरीके से आएंगे बता रहा हूँ, सबसे पहले ये वाला आंसर ला रहा हूँ। अब देखो भाई इसमें दो रास्ते हैं, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है ना, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। देखो भाई अगर आपको ये वाला आंसर लाना है, ये वाला आंसर लाना है अगर आपको, तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो क्या करें, जिससे आंसर है इसको क्या करो, तीनों के नीचे अलग अलग कर दो, मतलब इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी लिखो,
और इसके नीचे भी लिखो, मतलब तीनों के नीचे अलग अलग कर दिया। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे बचा साइन बाय कॉस, क्या बचा साइन बाय कॉस, ये एक कट गया, बचा कॉस बाय साइन, और ये पूरा कट गया, बचा वन। तो इसका आंसर क्या बना, वन। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। तो देखो आ गया आंसर कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, जब आपको ये वाला आंसर लाना है वन प्लस टेन प्लस कॉट, तो आपको इसको इसको फॉर्मूला नहीं लगाना है, वन नहीं लिखना है, सीधा अलग अलग कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गई फर्स्ट अप्रोच। अब आना है, अब आता है हमारा एनसीईआरटी वाला आंसर। एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है अब वो कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो एनसीईआरटी के आंसर के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर आपको एनसीईआरटी वाला आंसर लाना है तो इसमें फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला होता है वन, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या बच रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग कर दो, वन के नीचे भी साइन कॉस और साइन कॉस के नीचे भी साइन कॉस, तो ये तो कट गया। यहां से आंसर क्या आ गया, वन प्लस। अब देखो भाई, वन अपॉन साइन होता है कॉसेक, और वन अपॉन कॉस होता है सेक, ये दो फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है वन अपॉन साइन, तो क्या लिख दिया, कॉसेक, और वन अपॉन कॉस क्या लिख दिया, सेक। तो ये आ गया आपका एनसीईआरटी वाला आंसर, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वाला आंसर लाना है, ये वाला आंसर लाना है, अप्रोच देख लो, दोनों क्वेश्चन की सेम है। अगर ये वाला आंसर लाना है तो इसको वन पुट नहीं करना, सीधा अलग अलग कर दो। अगर एनसीईआरटी वाला आंसर लाना है तो फिर इसको वन पुट करके फिर अलग अलग करेंगे, फिर आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो प्रैक्टिस ज़रूर करना है इसकी। और अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी स्टेप में दिक्कत हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।